महाविद्यालय के पूर्व छात्र नायक सुनील सोरेन के नेतृत्व में महाविद्यालय में राज्य की हेमंत सरकार की नियोजन नीति को लेकर छात्र छात्रा के साथ बैठक कर जानकारी देते हुए सुनील सोरेन ने बताया कि झारखंड में झारखंडियों का हक दबाकर नीति बनाई जा रही है। राज्य में 60 से 40 की नीति का हर ओर विरोध हो रहा है, इसलिए छात्र समन्वय समिति के आह्वान पर 1 अप्रैल को पूरा संथाल परगना बंद कर सरकार को बताएंगे कि झारखंड के लोगों को 60 से 40 की नीति नहीं चाहिए। उन्होंने कहा कि आंदोलन को सफल बनाने के लिए विभिन्न संगठनों का सहयोग भी लिया जाएगा। बात के लिए आज जो बैठक बुलाई गई है, संथाल प्रमंडल बंद का जो आह्वान झारखंड में छात्र समन्वय समिति से आह्वान हुआ है, तो उसी को बंद के विषय में आज हम लोग बैठक कर रहे हैं। हम लोग बंद करेंगे 1 तारीख को साहिबगंज जिला का। किस कारण से बंद करेंगे? तो इस सरकार जो 60-40 का नियोजन नीति लाई है, उसके विरोध में हम लोग बंद का आह्वान। 60-40 में क्या दिक्कत हुई कि 60 हम लोगों के झारखंडियों के लिए और 40% बाहर वालों के लिए की है, तो बहुत दिक्कत हो रही है हमको। अगर बाहर से आएंगे 40 तो हम लोग क्या करेंगे? लोग जो यहाँ हमलावा किए हैं, पूरे संथाल परगना के जितने हम लोग छात्र संघ के छात्र मोर्चा हैं, आज हम लोग ने ये बैठक इसलिए बुलाई है कि पिछले कई दिनों से सरकार का रुतबा को हम लोग देख रहे हैं कि सबसे पहले उन्होंने 10 और +2 के आधार पर जो नियोजन नीति लाई थी वो उनका बेकार साबित हुआ, हाईकोर्ट ने इसे रिजेक्ट कर दिया। इसके बाद उन्होंने 1932 का खतियान के आधार पर नियोजन नीति बनाने का आह्वान किया और वो भी हाईकोर्ट से इसका रिजेक्ट हो गया। इसके बाद उन्होंने 60 और 40 का जो रेशियो के आधार पर नियोजन नीति लेकर के आई है, ये झारखंड के वासियों के लिए, यहाँ के छात्रों के लिए ये बिल्कुल गलत है और इसके विरोध में मैं छात्र सचिव हूँ। हम लोग जो 1 तारीख आंदोलन करने वाले हैं, आप लोग से अनुरोध है कि हम लोग को सहयोग करें ताकि हम लोग को ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग मिल सके और हम लोग को ज़्यादा से ज़्यादा 60-40 का, मतलब जो 60-40 है उसमें हम लोग बदलाव ला सके, हम लोग के माध्यम से उसमें बदलाव आ सके। हम लोग झारखंड वासी हैं, इसलिए हम लोग को 60-40 में सहमत नहीं है, इसलिए आप लोग से अनुरोध है कि हम लोग को सहयोग करें। उतना झारखंडियों की अधिकार की नुकसान है, क्योंकि 60-40 का ये मतलब होता है 60 झारखंडी के लिए और 40 बाहरियों के लिए, तो इसमें कहीं ना कहीं झारखंड की बेटों को बेटियों को का अधिकार छीना जा रहा है। क्योंकि अगर बाहर से 40 आएंगे, यहाँ से 60 रहेंगे, यहाँ के जो भी झारखंडी हैं वो आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से वो कमजोर हैं। जो बाहरी लोग आएंगे यहाँ नौकरी करेंगे तो फिर यहाँ वो 60% में आ जाएंगे। इसलिए हम लोग का कहना है 60-40 नीति नहीं, यहाँ के बेटा बेटियों को, झारखंडियों को 90% का अधिकार मिलना चाहिए और 10% वो भी निमंत्रण हम लोग देंगे तभी वो आएंगे, 10% का दिया जाए उसको, 90% यहाँ के लिए सुरक्षित किया जाए ताकि यहाँ झारखंड की विकास हो, क्योंकि ये झारखंड झारखंडियों के लिए बना है। यहाँ खतियान की बात नहीं की जा रही है, यहाँ झारखंडियों की बात की जा रही है। इसलिए सभी झारखंडियों से अपील है, साहेबगंज वासियों से अपील है, आप लोग इस बंदी में आप लोग सहयोग दें। हम लोग अकेले कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ सभी हम लोग झारखंडी हैं, यहाँ के निवासी हैं और सभी को साथ मिलकर ये लड़ाई लड़नी होगी, तभी हम लोग को एक दिन फतेह हासिल होगी, हम लोग को मुकाम मिलेगी और उस दिन सबसे बड़ी खुशी होगी जिस दिन यहाँ के बेटा बेटियों को नौकरी मिलेगी, यहाँ के बेटा बेटियों समाज के एक उदाहरण बनेंगे, यहाँ के ऑफिसर बनेंगे, यहाँ के DC SP बनेंगे, कार्यालय में काम करेंगे, तब हम लोग उस दिन सोच सकते हैं कि झारखंडियों का सपना पूरा होने जा रहा है। यही हम लोगों का जो 1 तारीख मंडल स्तरीय का होगा, ये संथाल परगना समन्वय समिति के आह्वान पर हम लोग कर रहे हैं और उसी का समर्थन कर रहे हैं। इसके नेतृत्व में निकाला जाएगा, ये यहाँ साहेबगंज में यहाँ के छात्र नायक मनोहर टुडू और छात्र नायिका जो महिला कॉलेज हॉस्टल के हैं उनके नेतृत्व में ये होगी। साहेबगंज झारखंड से सहेंद्र प्रसाद की रिपोर्ट।